लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, राज्यों को आगे का रोडमैप तैयार करने के निर्देश। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने पर दिया जोर, कुछ राज्यों ने सीमित पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की रखी मांग। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने की सिलसिलेवार छूट की वकालत, देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं करने की नसीहत। कोरोना प्रभावित इलाकों में 3 मई के बाद भी नहीं है राहत के आसार, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में मिल सकती है छूट। कि हम सब नियमों का पालन करें और सभी राज्य सरकारें लॉकडाउन के वायलेशन पर कड़ी कार्रवाई करें। पीएम के साथ मीटिंग में ओडिशा के सीएम ने की लॉकडाउन को 1 महीना बढ़ाने की मांग, नीतीश ने उठाया छात्रों का मुद्दा। पीएम मोदी की सीएम के साथ मीटिंग में मौजूद रहे गृहमंत्री अमित शाह, लॉकडाउन तोड़ने पर सख्ती बरतने की बात कही। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में पीएम मोदी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बताया जरूरी, 2 गज दूरी का दिया मंत्र। ये लड़ाई पेशेंट की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की लड़ाई है। पूरे समाज को साथ लिए बिना, पूरे समाज का सपोर्ट लिए बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। देश में 28,000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद, अब तक 886 लोगों की जा चुकी है जान। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,396 नए केस, करीब 23% रिकवरी रेट के साथ 6,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका इलाज। 85 जिलों में 14 दिन से नहीं आया कोरोना का कोई नया केस, 16 जिलों में 28 दिन से कोई कोरोना मरीज नहीं। महाराष्ट्र में नई थमरी, कोरोना की रफ्तार 8,500 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 342 की मौत। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आया गुजरात, राज्य में कोरोना के 3,301 मरीज, 151 लोगों की जा चुकी जान। गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर है दिल्ली, 2,918 पर है कोरोना पीड़ितों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 293 नए मामले। राजस्थान में 2,200 के करीब है कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 102 नए केस, अब तक 33 लोगों की मौत। एमपी में भी 2,000 के पार है कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 103 लोगों की जा चुकी जान। पिछले 24 घंटे में नोएडा में आए 13 नए मामले, 6 नए हॉटस्पॉट के साथ 46 इलाके सील। नोएडा में 128 पर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, उत्तर प्रदेश में कोरोना के करीब 2,000 मामले सामने आई। सीएम योगी को भेजी आगरा के मेयर की चिट्ठी, लिखा आगरा को वुहान बनने से बचाइए। आगरा के मेयर की चिट्ठी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, आगरा मॉडल को बताया फेल। कोरोना संकट के बीच दिल्ली और हरियाणा में छिड़ी तकरार, गृहमंत्री अनिल विज बोले दिल्ली की वजह से बढ़ रहे मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर सील, बिना पास के डॉक्टर्स को भी आने जाने की इजाजत नहीं। हरियाणा ने दिल्ली के सीएम से की अपील, जारी न किए जाए हरियाणा में रहने वालों के लिए कर्फ्यू पास। जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए। चीन से मंगाई गई कोरोना रैपिड किट में 145% मुनाफे का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में उठा आईसीएमआर को बेची गई किट का मुद्दा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना रैपिड किट के दाम में की 33% कटौती, 400 रुपए में बिक्री का दिया आदेश। रैपिड किट में मुनाफाखोरी पर राहुल गांधी ने की कार्रवाई की मांग, ट्वीट किया देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मजदूरों की घर वापसी को लेकर नीतीश कुमार की दो टूक, कहा जब तक नियमों में बदलाव नहीं करता केंद्र, तब तक बाहर से लोगों को बुलाना संभव नहीं। सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने भेजा नोटिस, 30 अप्रैल के पहले पूछताछ के लिए बुलाया थाने। इंदौर में सामने आए कोरोना के 31 नए मामले, 1,207 तक पहुंची कुल मरीजों की संख्या, अब तक 60 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत, अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है वायरस। मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने, खुद नर्स की ड्रेस में उतरी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर। बीएमसी के नायर अस्पताल का किया दौरा। मुंबई में 5,407 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। भीलवाड़ा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती, कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां।
महाराष्ट्र में सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए शिव भोजन थाली का इंतजाम, 5 रुपए में मिल रहा है भरपेट खाना। पंजाब के बठिंडा में आर्मी ट्रेन को किया गया सैनिटाइज, आइसोलेशन वार्ड की तरह किया जा सकता है इस्तेमाल। मुरादाबाद में कोरोना संकट के बीच रेल ने कसी कमर, 8 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया तब्दील। दिल्ली यूनिवर्सिटी केयर फॉर नेबर कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर के छात्रों को बांटा गया राशन और मास्क, अब तक 360 परिवारों की हो चुकी मदद। कोटा में बिहार के छात्रों को लाने के लिए तेज प्रताप की अनोखी पूजा, नीतीश कुमार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया। कोटा से लखनपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के छात्र, मेडिकल जांच के बाद अपने अपने घर जाने की मिलेगी इजाजत। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, इलाका सील होने के बावजूद सड़क पर नजर आई भीड़। भरतपुर में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों ने ताली बजाकर फूल बरसाकर किया स्वागत। आजमगढ़ में पुलिस ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन, कोरोना के मरीजों को ढूंढने की कवायद। हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश ने किया परेशान, मंडियों में बर्बाद हुआ अनाज। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों ने अमृतसर से पकड़ी उड़ान, लंदन वापस लौटे 307 लोग। हैदराबाद में स्पाइस जेट के प्लेन से पहुंची कोरोना की करीब 14 टन दवाई, चीन के शंघाई से लाया गया इलाज का सामान। संगरूर में कर्फ्यू के बीच हुई शादी, बाइक पर दुल्हन को घर लेकर पहुंचा दूल्हा, पुलिस ने मिठाई और फूल देकर किया स्वागत। बैतूल में पंडित ने दूल्हा दुल्हन को कराया सैनिटाइज, मास्क पहनकर निभाई गई शादी की रस्म। उज्जैन में पुलिस की डांस डांस में ड्यूटी, नाचते गाते एक दूसरे का बढ़ाया उत्साह। हरदोई में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट मैच को लेकर विवाद में एक की हत्या, 3 भाइयों ने 2 दलित युवकों की जमकर की पिटाई, एक की जान गई। बठिंडा में आशा वर्कर्स का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कम सैलरी को लेकर किया विरोध। दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकवादी ढेर, पूरे इलाके में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। हैदराबाद में तेल टैंकर से टकराई जरूरी सामान ले जा रही गाड़ी, 1 किसान की मौत, 3 लोग जख्मी। फिरोजाबाद में सिपाही ने गोली मारकर की अपनी पत्नी की हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहल, बैंकों के बाहर लाइन में लगे खाताधारकों को वितरित कर रहे मास्क, बिस्किट, जूस और पानी। समस्तीपुर के पोस्ट ऑफिस में उमड़ी लोगों की भीड़, खाते में सरकारी सहायता राशि मिलने की अफवाह के बाद उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 415 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 31,743 पर बंधु सेंसेक्स, निफ्टी 127 पॉइंट बढ़ा, 9,282 पर रुका। डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹76.25। आरबीआई ने विशेष नकदी सुविधा के तहत म्यूचुअल फंड्स के लिए जारी किए 50,000 करोड़, 27 अप्रैल से 11 मई तक जारी रहेगी सुविधा। भारत के एमएसएमई सेक्टर पर मंडरा रहा नकदी संकट का खतरा, एक सर्वे में दावा, 47% के पास 1 महीने से कम वक्त का कैश बचा। कोरोना के बावजूद भारत ने अपने कर्मचारियों को 7 से 8% इंक्रीमेंट देगी कोका कोला, छटनी ना करने का भी दिया भरोसा। 2019-20 में भारत में घटा कच्चे तेल के आयात का बिल, रणनीति भंडार के लिए अतिरिक्त क्रूड की खरीदारी के बावजूद घटा खर्च। नितिन गडकरी ने कोरोना काल में चीन के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाने की दी सलाह, कहा ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करे भारत। इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए घटाया भारत का जीडीपी अनुमान, 1.9% की आंकड़ा, 1991-92 के 1.1% के बाद सबसे कम अनुमान। जुलाई के बाद जीडीपी ग्रोथ और बजटीय लक्ष्य का नया अनुमान जारी कर सकती है सरकार, कोरोना के थमने का बेसब्री से इंतजार। दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जा सकती है स्पेशल ट्रेन, रेलवे अस्पतालों ने दिया सुझाव। गुरुग्राम में एमएनसीज, आईटी, बीपीओ कंपनियों को 30 जुलाई तक करना पड़ सकता है वर्क फ्रॉम होम, चुनिंदा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होगी काम की मंजूरी। लोगों को बगैर पैसे लिए अस्पताल पहुंचाएगी ओला, दिल्ली सरकार से कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने किया करार। डिमांड में कमी और ओवर सप्लाई के बावजूद 1 साल में 9% तक महंगे हुए घर, प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में दावा। लॉकडाउन के चलते देश भर में इस बार सोने की बिक्री के लिहाज से पीक रही अक्षय तृतीया, डिजिटली महज 600 करोड़ के व्यापार का अनुमान। बीएसएनएल ने 19 मई तक बढ़ाई प्रमोशनल ब्रॉडबैंड की सुविधा, बगैर रुकावट मिलती रहेगी सुविधा।
कोरोना काल में बेरोजगार हुए पीआर प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर। आईसीसीपीएल ने जॉब गंवाने वालों को दिया नौकरी का भरोसा। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए आगे आया आईटीसी। हरिद्वार प्रशासन को सौंपा 30 बिस्तर वाला अस्पताल। 500 बिस्तरों का इंतजाम करना है सरकार का लक्ष्य। जियो मार्ट की ई कॉमर्स मार्केट एंट्री। व्हाट्सएप से घर बैठे ऑर्डर हो जाएगा सामान। मार्च में देश में बढ़ी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और हाइजीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री। वेस्टिज मार्केटिंग ने बिक्री के आधार पर किया दावा। जनवरी से मार्च की तिमाही में 16% लुढ़का इंडसइंड बैंक का मुनाफा। 2019-20 की चौथी तिमाही में बैंक को हुआ 302 करोड़ का प्रॉफिट। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 30 लाख के पार पहुंची मरीजों की तादाद। 2,08,000 लोगों की मौत। 55,000 के पार पहुंची अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या। 10 लाख लोगों में वायरस। कोरोना संकट के बावजूद कैलिफोर्निया में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। समुद्री तट पर बड़ी तादाद में सर्फिंग करते नजर आए लोग। इटली में काबू में आ रहे हालात। 24 घंटे में सिर्फ 260 लोगों की मौत। 4 मई से मिल सकती है लॉकडाउन में छूट। स्पेन में भी बेहतर हो रहे हैं हालात। 24 घंटे में 288 लोगों की जान गई। 20 मार्च के बाद पहली बार 500 से नीचे पहुंचा मौत का आंकड़ा। स्पेन के कुछ शहरों में लोगों को लॉकडाउन से मिली आजादी। कोरोना संकट को देखते हुए 12 मार्च से शुरू हुई थी पाबंदी। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। बर्लिन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अपने आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वापस लौटे बोरिस जॉनसन। कोरोना के खिलाफ इंग्लैंड के जंग की संभाली कमान। 21,000 के करीब पहुंची इंग्लैंड में कोरोना से मौत। अब तक 1,53,000 लोगों में बीमारी। इंग्लैंड में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए मोबाइल यूनिट की शुरुआत। सरकार ने हर रोज 1,00,000 टेस्ट का रखा टारगेट। चीन में अब हालात पूरी तरह काबू में। 2 दिन से एक भी मौत नहीं। 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 3 नए मामले। दुबई में 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन में छूट। शुरू हुआ सार्वजनिक परिवहन। खुल गई दुकान। पाकिस्तान में 13,300 तक पहुंची मरीजों की तादाद। अब तक 281 लोगों की कोरोना से मौत। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और अरेस्ट वारंट। जमीन घोटाले के मामले में पाकिस्तान के भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी ने किया जारी। इसराइल के स्वास्थ्य मंत्री याकूब लीजमैन ने पद से दिया इस्तीफा। कोरोना वायरस से ठीक से नहीं निपटने के लग रहे थे आरोप। न्यूजीलैंड ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का किया ऐलान। जल्दी लॉकडाउन में छूट की घोषणा करेंगी प्रधानमंत्री। कोरोना संकट के बीच स्पेन के सिविल शहर में मनाया गया एप्पल फेयर का जश्न। लोगों ने बालकनी में खड़े होकर मनाया पारंपरिक त्यौहार। चिली की राजधानी सेंटियागो में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। फेस मास्क और सुरक्षा सूट पहनकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। कैरेबियाई देशों से समुद्र के रास्ते घर लौटे नीदरलैंड के 25 छात्र। स्टडी टूर के दौरान लॉकडाउन में फंस गए थे। ईरान में जल्दी पूरी तरह खुल जाएंगे कोरोना फ्री इलाके। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने किया ऐलान। बगदाद के ताहिर स्क्वायर पर विरोध की इफ्तार पार्टी। प्रदर्शनकारियों ने चौराहे के बीचों बीच बैठकर खोला रोजा। कोलंबिया में 92 साल की महिला ने कोरोना के खिलाफ जीती जंग लेकिन बेटे ने गंवाई जान। कोरोना से जंग लड़ रहे अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी। लुइजियाना प्रांत में हुई फायरिंग में एक पुलिस अधिकारी की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।